question problem. A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilowatt. How much is that? Voltage rating is a 1 kilowatt. So here, V is given to us, which is 1 kV, right? Using a material of a dielectric constant 3, and the dielectric strength is about 10 raised to 7 volt per meter. So constant, which is represented as a K, which is 3 only. When we talk about the dielectric strength, कई बार क्या होता है हम लोग को पता नहीं चलता कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या लेना है, तो नहीं पता चल रही है. यूनिट देख लीजिएगा, वोल्ट पर मीटर है, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड. V इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 7 वोल्ट पर मीटर. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ मटीरियल कैन टॉलरेट विदाउट द ब्रेकडाउन. ऑलरेडी हम लोगों ने समझा था स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है. वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सस्टेन दी कंडक्टिव, सॉरी सस्टेन दी इंसुलेटर, वहां तक इंसुलेटर सस्टेन करेगा, लेकिन इस स्ट्रेंथ के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा. इट मींस कि आयनाइजेशन प्रोसेस होगा. ओके, यहाँ पे देखिए, विदाउट स्टार्ट टू द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पार्शियल आयोनाइजेशन फॉर अ सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ओके, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, यहाँ पे यू कैन सी द 10 रेस टू 7, 10%. सो यू शुड राइट लाइक दिस, 10 रेस टू 7, 10 डिवाइड बाय 100. इट मींस 10 रेस टू 7 माइनस 1, सो वी विल हैव 10 रेस टू 6 वोल्ट पर मीटर. सो फाइनल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. एंड व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज required to have a capacitance. Okay, area define करना है किसके लिए, जब उसका capacitance minimum कितना होना चाहिए, 50 picofarad. It means 50 into 10 raised to minus 12 farad. ठीक है, 10 raised to minus 12 farad. Right? Okay. So first of all, we have to define the area. So in the last theory we had discussed that the formula is equal to C is equal to KC0, where the C0 is equal to epsilon 0 A by D into C, right? So we have to define A. So we can write A is equal to, you can multiply C into D, and epsilon 0 in the strength is a, in comes to a division, right? You can see that. But we don't have a value of a D. So first of all, we have to define the D. Okay. We know that the potential difference V is equal to what? E into D. Right. So from there, D is equal to V by E. Okay. V by E. V is equal to 1 kV means what? It's nothing but the 1000 volt. So you should have to take over here 1000 divided by इलेक्ट्रिकल फील्ड E क्या है, 10 रेस टू 6 है आई थिंक. सो यू कैन राइट 10 रेस टू 3 माइनस 6, सो वी विल गेट व्हाट, 10 रेस टू माइनस 3 मीटर. ठीक है, सो नाउ टेक दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन इक्वेशन 1 वी हैव क्या आएगा हमारे पास, वी हैव A इज इक्वल टू C, वैल्यू ऑफ C 50 into 10 raised to minus 12. D is equal to 10 raised to minus 3, where the epsilon 0 8.85 into 10 raised to minus 12, where K is equal to is just a 3, right? So 10 raised to minus 3, so 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 12 cancel out. So we have 50 8.85 into 3 into 10 raised to minus 3. Do the calculation. चलो कैलकुलेशन फिनिश करो इसका. 50 डिवाइड बाय 8.85 एंड डिवाइड बाय 3, तो इसका सिंपल कैलकुलेशन फटाफट 16.949 और डिवाइड बाय 3 सर ओवरऑल
ओवरऑल आंसर आ रहा है 1.88 आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, 1.883 इनटू 10^2 -3 ओके मीटर स्क्वायर। सो इसे थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज हमें पता है 10^-3 को हम लोग मीटर में इस तरह से भी लिख सकते हैं 18.83। ओके मैंने एक पॉइंट स्लाइड किया, इट बिकम 10^-4 मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? 18.83 इनटू 10^-2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अब इसे हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। सो वी विल हैव 18.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, एक बार वेरीफाई जरूर से कर लीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर।